हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपके हम लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो या आई एम बैक विथ अनदर शॉपिंग हॉल एंड लेट मी टेल यू, अभी मैं कुछ दिन पहले सरोजनी व्लॉग डाली थी, तो आज का जो वीडियो है ये है सरोजनी शॉपिंग हॉल। एंड बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहले जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरा सरोजनी व्लॉग नहीं देखे हो तो आई सजेस्ट यू, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखना। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लाइक सरोजनी में कब शॉपिंग करनी चाहिए, कैसे शॉपिंग करनी चाहिए एंड सरोजनी में क्या क्या मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने सारा कुछ उस वीडियो में दिखाया है। ओके, तो ये रहा शॉपिंग बैग जो कि मैंने सरोजनी से ही परचेज किया है। एंड आज का जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने खरीदी है जो थोड़े अलग हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो सरोजनी में इस टाइप का बैग जो है ना बहुत ही चीप मिलता है, एंड ये जूट का बैग है, यू कैन की बहुत ही अच्छा होता है, लाइक बहुत सारी चीज़ें कैरी करने के लिए ये बहुत ही काम आता है, लिटरली बहुत काम आता है। एंड इसका जो MRP भैया बता रहे थे वो 250 बोल रहे थे, बट आई गॉट दिस फॉर 60 रुपीज़। बहुत ही चीप है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड ग्रॉसरी एंड अदर स्टफ के लिए ये बहुत ही अच्छा बैग है, लिटरली बहुत अच्छा बैग है। अब इसमें मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज किया है सरोजनी में। तो ये वाला बैग, इस टाइप का बैग अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छा सा बैग है एंड बहुत ही प्यारा दिखता है इसको, कैरी करने पे बहुत ही स्टाइलिश लुक आता है। एंड ये बैग मेरे को बहुत टाइम के लेना था, एंड दिस इज समथिंग लाइक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड ये मेरे को सरोजनी में मिल गया। सरोजनी में आपको इस टाइप का बैग बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, यू कैन सी ये एनिमल प्रिंट बैग है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। एंड इसका जो ये वाला जो है कैरी करने वाला बेल्ट, ये डिटैचेबल है, यू कैन सी या अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से निकाल के डिटैच करके आप ऐसे भी कैरी कर सकती हो, बहुत ही स्टाइलिश लगता है। एंड ये एक्चुअली सारे शॉप पे अलग अलग इसका प्राइस बताएंगे आपको, बट ये मेरे को मिला ओनली 4 रुपीज़ 300। सीरियसली बहुत अच्छा बैग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैग है, 300 रुपीज़ में इतना अच्छा बैग शायद ही कहीं मिलेगा। एंड यू कैन सी इसके अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, अभी मैंने अपना वॉलेट इसमें रखा हुआ है, इसके अंदर भी यहाँ पे एक और जिप है जिसमें यू कैन पुट योर कार्ड एंड अदर स्टफ, एंड इसके अंदर स्पेस भी बहुत अच्छा है। एज यू कैन सी यह मैंने इसमें वॉलेट रखा है, स्टिल इसमें बहुत सारा स्पेस अभी रिमेनिंग है, एंड बहुत कुछ मैं इसमें अभी कैरी कर सकती हूँ। तो ओवरऑल मुझे ये बैग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, तो इस टाइप का बैग ना आपको सरोजनी में बहुत दिखेगा, एंड ये वाला बैग भी बहुत ही अच्छा है, यू कैन सी अगर आप कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हो तो डेफिनेटली इस टाइप का बैग क्लच जो है वो थोड़ा काम में आ जाता है। एंड आई गॉट दिस फॉर ओनली 50 रुपीज़, बहुत ही चीप मिला मेरे को ये बैग। एंड यू कैन सी इसके अंदर भी इस टाइप का जिप दे रखा है, एंड देन ये स्ट्रिंग दे रखा है जो कि किसी काम का नहीं है, मतलब मैं तो इस स्ट्रिंग को यूज नहीं करने वाली हूँ। एंड इसके अंदर भी ठीक ठाक स्पेस है, लाइक यू कैन कीप योर बेसिक चीज़ें लाइक फ़ोन एंड थोड़ा बहुत मेकअप का भी आप ईजिली इसमें कैरी कर सकती हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये मेरे को मिला 50 रुपीज़, लाइक 100 बोल रहे थे भैया, एंड देन आफ्टर बार्गेनिंग 50 रुपीज़ में आपको इस टाइप का बैग ईजिली मिल जाएगा, एंड इतना सस्ता आपको बैग कहीं नहीं मिलेगा। इस टाइप का बैग अगर आप ऑनलाइन देखती हो तो मिनिमम 150 तो रहता ही रहता है, बट सरोजनी में अगर आप चाहोगी तो ये आपको रैंडमली दिख जाएगा, हेयर एंड देयर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, एंड आपको 100 रुपीज़ बताएंगे, बट अगर आप एक या दो या ज़्यादा खरीदोगे तो आप बहुत ही कम कर देंगे भैया। नाउ कमिंग टू सम रैंडम स्टफ, तो अभी सरोजनी में थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी एंड मैं अम्ब्रेला कैरी नहीं की थी, तो मैंने वहाँ से ये वाला छाता परचेज किया, यू कैन सी बहुत ही क्यूट सा छाता है, एंड ये मेरे को मिला लाइक 250 रुपीज़ भैया बोल रहे थे, बट आफ्टर बार्गेनिंग आई गॉट दिस फॉर 150। बहुत ही क्यूट है, हैंडी है, अभी लाइक ठीक ठाक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, ओके तो लेट मी शो यू ये वाला जो वेंट चार्म है, लाइक जब मैं सरोजनी से निकल रही थी दैट टाइम लाइक बहुत ही अंधेरा हो चुका था,
एंड मैंने ध्यान से देखा नहीं, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा आई थिंक ये टूटा हुआ है, बट दैट्स ओके। बहुत ही सुंदर सा विंड चाइम है, यू कैन सी लाइक बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड मुझे इसको देखते ही आई वॉज लाइक कि मुझे ये परचेज करना है। एंड भैया इसका 250 बोल रहे थे, बट ये मेरे को मिला ओनली फॉर ₹100। बहुत ही क्यूट है, अगर आप इसको चाहो तो बालकनी में या फिर कोई भी लिविंग स्पेस में आप इसको लगा सकती हो, बहुत ही सुंदर दिखता है। एंड या ये भी मेरे को इसका जो क्वालिटी है ना ये भी बहुत अच्छा है, ये पूरा वुडन है, लकड़ी का बना हुआ है, यू कैन सी हियर, बहुत ही अच्छा है। एंड देन इसके नीचे कुछ इस टाइप का बेल लगा हुआ है, एंड ये भी यू कैन सी वुडन है। बहुत ही डिफरेंट का वाइब आ रहा है, एंड बहुत अच्छा वाला वाइब आ रहा है इसके, तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपको सरोजनी में बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो इस बार मैंने ऐसे कपड़े ज़्यादा कुछ मैंने ख़रीदा नहीं, एंड जो भी मैंने चीज़ें खरीदी है ना सारे रैंडम चीज़ें मेरे को मैंने खरीदी है, बिकॉज मेरे को अभी कुछ भी ऐसे सरोजनी इज समथिंग इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लक। अगर आपका दिन अच्छा है तो आपको बहुत सारे आइटम्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत यू नो आप मूड में नहीं हो शॉपिंग करने का एंड एक्सप्लोर करने का, देन आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे कुछ भी। लाइक मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, जब भी वहाँ पे मेरे को ज़्यादा क्राउड दिखता है मेरे को बिल्कुल भी मूड नहीं होता है शॉपिंग करने का, एंड रैंडमली अगर मुझे कुछ इधर उधर दिख जाए जो मुझे पसंद आता है तभी मैं उसे लेती हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, अगेन मैंने सरोजनी से ये वाला बड़ा सा थैला लिया, एंड दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली, बिकॉज अगर आप शिफ्टिंग के लिए कुछ अच्छा सा बैग ढूंढ रहे हो देन डेफिनेटली सरोजनी में इस टाइप का बैग आपको बहुत ही ज़्यादा चीप मिल जाएगा। सेम बैग मैं ऑनलाइन देख रही थी बट मेरे को 250 और 300 रुपीज़ में मिल रहा था, एंड इनफैक्ट सरोजनी में भी भैया इसका जो प्राइस बता रहे थे वो 500 बोल रहे थे, बट शाम हो चुका था एंड मैंने 100 बोला, एंड फाइनली उन्होंने मुझे 150 में दे दिया। यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर स्पेस रहता है, लाइक हेल लॉट्स ऑफ चीज़ें आप इसके अंदर भर सकती हो, एंड शिफ्टिंग में ये बहुत ज़्यादा काम आता है, एंड मैंने बस इस पर्पज से ही इसको परचेज किया है। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट आइटम, तो कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आपको सरोजनी में सारी चीज़ें मिलती है, वहाँ पे कोई भी आपको फैंसी पैकेजिंग नहीं मिलेगा। सरोजनी में आपको बहुत सारे फूडवेयर मिल जाएंगे, तो यार सरोजनी में बहुत सारे फ्लैट्स एंड हील शूज बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाएंगे, एंड दिस इज़ द वन मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड ये एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी के लिए ख़रीदा था, एंड इसका जो साइज है वो है इस पे लिखा है 39, बट वहाँ पे मैं ट्राई नहीं की थी, एंड घर पे जब मैं इसको लेकर आई एंड मम्मी ट्राई की तो ये उनको नहीं आया, बट ये मेरे को बहुत अच्छे से आ रहा है। लाइक मेरा साइज है 37, बट आई डोंट नो कैसे ये थोड़ा सा लाइक मेरे को बहुत ही अच्छे से आ रहा है। एंड कमिंग टू द क्वालिटी, यार क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है, एंड द ओनली थिंग इज आप जब भी सरोजनी से कुछ भी फूडवेयर खरीदती हो तो यार आप जरूर से उसको ट्राई करना, बिकॉज अगर आप ट्राई नहीं करोगी तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लाइक मैंने सोचा कि 39 आ जाएगा मम्मी को, बट अगर मैं वहाँ पे ट्राई कर ली होती तो मुझे पता चल जाता कि ये मेरा साइज का, ये मेरे साइज का है, एंड देन मोस्ट प्रोबेबली मैं थोड़ा सा और बड़ा साइज लेती, तो ये गलती मेरे से हो गई है, एंड इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अगर आप सरोजनी में कुछ भी फूडवेयर खरीदती हो तो आप उसको ट्राई ज़रूर करना। एंड वन मोर थिंग, लाइक ये वाला जो फूडवेयर है ना ये जब मैं ख़रीदी थी ये मेरे को 300 रुपीज़ में मिला, एंड इसमें भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, लाइक आई वॉज हैप्पी कि ठीक है चलो 300 में, बट जैसे ही मैं नेक्स्ट शॉप पे गई थोड़ा आगे वहाँ पे ये सेम चीज़ मेरे को लाइक 200 और 250 रुपीज़ में मिल रहा था, बट इट हैपन सरोजनी में ये होते रहता है, लाइक कहीं पे कोई भी चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती है कहीं पे थोड़ा कुछ ज़्यादा महंगा होता है, एंड कभी कभी हम बार्गेनिंग में गलती कर देते हैं, तो दैट्स ओके नॉट अ बिग डील। क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहनने के बाद भी बहुत ही अच्छा लुक आता है, यू कैन सी इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे टू के पास कुछ इस तरीके का रिंग दे रखा है, बहुत ही अच्छा दिखता है, एंड दैट टू ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, तो यार मैं इसको बहुत तरीके से पहन सकती हूँ, एंड कम्फर्टेबल भी है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, तो यार आई हैव दिस अनदर पेयर ऑफ हील्स, तो ये एक्चुअली मेरे पास इस टाइप का ट्रांसपेरेंट हील्स ऑलरेडी है, बट ये मेरे को
बहुत ही सस्ता मिला एंड वाइट कलर था तो मेरे चढ़ाने गया। एंड इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको सरोजनी में मिल जाएंगे, लाइक आपको ब्लैक देन पिंक ग्रीन सारे जो लाइट शेड्स होते हैं सारा आपको मिल जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक बहुत बार क्या होता है ना कि ये जो स्ट्रैप जो प्लास्टिक का दे रखा होता है ये बहुत हर्ट करता है पहनने के बाद, बट इसको पहनने के बाद ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। मैंने सोचा नहीं था लाइक कि इतना अच्छा होगा, बट अभी घर पे आने के बाद मैं इसको पहन के 2-4 राउंड भी लगा ली, बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है एंड साइज़ भी इसका परफेक्ट। लाइक एज ए टोल्ड यू, आप जब भी सरोजनी में शॉपिंग करो फूडवेयर का तो आप एक बार पहन के देख लेना, तो उस टाइम मैंने इसको पहन के देखा था, बहुत ही अच्छी फिटिंग भी आई थी इसकी। इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे 6 नंबर है, आई डोंट नो उनका किस हिसाब से नंबरिंग होता है, बट दैट्स ओके। आपको अपना साइज वहाँ पे लाइक अगर आप 4 पहनती हो या 5 पहनती हो तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। एंड कमिंग टू द हील्स, तो यार इसका यू कैन सी ये ना ज़्यादा हाई हील्स है ना ज़्यादा शॉर्ट है, नॉर्मल सा 2.5 इंच वाला ब्लॉक हील्स है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल मेरे को ये बहुत अच्छा लगा एंड ये मेरे को मिला है ओनली फॉर ₹200। एंड सेम हील्स अगर वहाँ पे बहुत सारी शॉप है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट शॉप पे जाओगी तो कहीं पे 400 कहीं पे 500 एंड थोड़े और अगर अच्छे शॉप हैं तो वहाँ पे आपको 700 में सेम हील्स मिल जाएगा। बट आपको जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आप पहले एक बार सारे शॉप में घूम लो एंड जहाँ पे आपको ज़्यादा चीप मिले आप वहाँ से परचेज करो। एंड ये वाले भैया के पास फिक्स्ड प्राइस था, लाइक कुछ भी बार्गेनिंग करने का कोई भी झंझट नहीं था, जस्ट 200 रुपीज़ में आप कोई भी हील्स ले सकती हो, बहुत ही सारा वैरायटी था उनके पास। कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, तो सरोजनी में आपको लिटरली बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी एंड वहाँ पे फ़ोन एक्सेसरीज भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ना तो मैं फ़ोन एक्सेसरीज वहाँ से ज़रूर परचेज करती हूँ। एंड इस बार मैंने ये वाला कवर परचेज किया है, ये मेरे को मिला है 250 रुपीज़, बट अगर आप चाहो तो और भी ज़्यादा बार्गेनिंग करके इसको 200 रुपीज़ में परचेज कर सकती हो। मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी इसलिए मैं ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाई एंड ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यू कैन सी ऑनलाइन इस टाइप का केस आपको 700 और 800 में मिलेगा, बट ऑल थैंक्स टू सरोजनी, सरोजनी में बहुत ही ज़्यादा चीप मिलता है फ़ोन कवर एंड फ़ोन एक्सेसरीज, तो आप वहाँ पे भी इस टाइप का कुछ भी एक्सेसरीज आपको चाहिए तो ज़रूर देख सकती हो। कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, तो यार सरोजनी गए और वहाँ से ज्वेलरी शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो एक बार भी मैंने बहुत सारे सिल्वर ज्वेलरी वहाँ से परचेज किया है। कमिंग टू द फर्स्ट, ओके लेट मी शो यू, तो ये वाला नेक पीस मैंने वहाँ से परचेज किया, एक्चुअली मेरे को लेना नहीं था बट एक छोटी सी बच्ची आकर बोलने लगी दीदी ले लो, इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया एंड ये मेरे को मिला है ओनली फॉर ₹110। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, लिटरली बहुत अच्छा लगा उस टाइम, लाइक मैं मना नहीं कर पा रही थी उसको कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने परचेज कर लिया। बट नाउ इट्स लुकिंग रियली गुड एंड ये वाला तो इतना हार्ड है ना लिटरली अगर किसी के सिर पे मार दूँ तो सिर फट जाएगा। सिल्वर ज्वेलरी वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, आई मीन नो डाउट आपको इतने चीप मिलेंगे, कहीं पे भी इतने अच्छे सिल्वर ज्वेलरी आपको नहीं मिलेगा एंड दैट टू 100 और 150 रुपीज़ में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, तो यहाँ पे मैंने एक छोटू सा कलरफुल एंकलेट वहाँ से परचेज किया एंड ये भैया 30 रुपीज़ में दे रहे थे बट आई गॉट दिस फॉर ओनली ₹10। बहुत ही सुंदर सा है, लाइक पहनने के बाद भी बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो नेक्स्ट मैंने ये वाला इयर रिंग्स परचेज किया है, ये भी बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे गणेश भगवान है एंड देन यहाँ पे त्रिशूल है, बहुत ही लाइट वेट है, पहनने के बाद बहुत अच्छा दिखता है, लेट मी शो यू, ओके वाओ बहुत ही सुंदर दिख रहा है, यू कैन सी हियर, इसको आप पूरा दिन भी पहन के रख सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा बिल्कुल भी ऐसे कुछ पेन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सुंदर क्या इयर रिंग है यार। एंड ये वाला भैया 50 रुपीज़ में दे रहे थे, हर जगह पे ये आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा बट जहाँ की मैंने ये परचेज किया है वहाँ की मैंने थोड़े बहुत और भी ज्वेलरी परचेज किए हैं तो ये मेरे को 30 रुपीज़ में मिल गया। यू कैन सी इस टाइप का इयर रिंग्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी को भी देखा होगा ये इस टाइप का इयर रिंग्स पहने हुए, बहुत ही अच्छा दिखता है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड इसका भी MRP भैया 50 रुपीज़ में मिल दे रहे थे बट ये मेरे को 30 रुपीज़ में मिल गया। वाह
मैं ज़्यादा तो नहीं पहनती हूँ, बट हाँ बस थोड़ी देर के लिए ही पहनती हूँ इस टाइप के इयररिंग्स। बट हाँ, अगर आप कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रही हो तो उस पर ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा हेवी है, क्या कुछ भी नहीं है। ओवरऑल ये भी बहुत ही सुंदर क्या इयररिंग है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, तो यहाँ पे मैंने ये वाला चोकर नेकलेस सरोजनी से परचेज किया। एंड इस टाइप का नेकलेस मेरे को बहुत टाइम से ख़रीदना था, एंड रैंडमली व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग मार्केट तो मेरे को ये दिख गया। ऑलमोस्ट एवरी शॉप पे, लाइक जो भी ज्वेलरी वाले शॉप होते हैं वहाँ पर ये आपको दिख जाएगा। बहुत ही सुंदर सा चोकर नेकलेस है ये, एंड हर जगह इसका प्राइस भैया 100 to 150 बता रहे थे, बट मैंने जहाँ से परचेज किया मेरे को वहाँ पर ये 60 rupees में मिल गया। कम टू द लास्ट आइटम, तो सरोजनी में इस टाइप का रबर बैंड बहुत सारा लाइक कलेक्शन आपको दिख जाएगा वहाँ पे, एंड दैट टू 4 rupees 10 ओनली। इस टाइप का लाइक बहुत सारे कलर्स में अगर आप इस टाइप का रबर बैंड ढूंढ रहे हो तो सरोजनी इज द बेस्ट प्लेस। ओनली फॉर 10 rupees आप बहुत सारे इस टाइप का रबर बैंड, देन हेयर बैंड, जो भी हेयर एक्सेसरीज होते हैं आपको बहुत ही ईजिली वहाँ पर मिल जाएगा।